तो पावर टू वेट रेशियो में जो है आपको ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिलती है आज भी इस सेगमेंट में, अगर आप इसको किसी भी बाइक से कॉम्पीट करिए तो। सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग, होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बड़े। गाइज देख सकते हैं मेरी आँख लिटरली खुल नहीं रही है, जो सूरज भगवान एकदम भाई भयंकर तरह से आज निकले हुए हैं। मौसम एकदम साफ क्लियर है और फिलहाल देख सकते हैं भाई खड़ी है मेरे साथ एक बीस्ट TVS की, दी RTR 160, दी रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स 162V, दी TVS अपाचे RTR 162V। और आज की इस वीडियो में प्रॉपर इसका पूरा एक प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें आपको प्रोज देखने को मिलते हैं, क्या कॉन्स देखने को मिल जाएंगे। इसकी आपको स्पीड टेस्ट वगैरह, डिटेल्ड रिव्यूज, राइड रिव्यू सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वो भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और भाई लुक्स के मामले में तो कतई जहर है भाई, कतई जहर इसको। तो गाइस आ गया हूँ अपने GoPro के सेटअप में, देख सकते हैं। बात की जाए प्रोज एंड कॉन्स की, तो इसका जो सबसे पहले ऑन रोड प्राइस बताऊँ तो लगभग 155,000 करीब जो ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। ये डुअल डिस्क वेरिएंट है। फिलहाल चाबी देख सकते हैं, एक जो नेगेटिव पॉइंट लगता है मुझे इसके चाबी में भाई, देखिए बहुत ही एक बेसिक सी सिंपल सी की आती है भाई, जबकि आप रेडर 125 में देखेंगे वहाँ पे आपको एक वेव की देखने को मिलती है। तो ये अन्याय भाई TVS के साथ क्यों, मतलब ये अपाचे के साथ क्यों, तो देना चाहिए भाई एक वेव की इसके लिए भी। तो ये एक छोटी सी मतलब भाई कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ इसको अच्छा सा देते तो और ज़्यादा अच्छा लगता। इसमें एक ही दो नेगेटिव पॉइंट है देखिए भाई, मैं एकदम आपको साफ बताता हूँ, और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। डिज़ाइन इसका मुझे सबसे जो है प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, आपको दिखाऊं भाई चाबी लगाओ, चाबी लगाते ही जो ये घूरना स्टार्ट करती है ना भाई क्या ही मजा आ जाता है, देख रहे हैं एकदम बिल्ली जैसी आंखें भाई, कैट आईज, LED DRLs, LED हेडलाइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और एक अच्छा सा डिज़ाइन पूरे मोटरसाइकिल का आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब इसको राइड करते टाइम जो है इसका पूरा प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। तो पहले कॉन्स की बात करेंगे जो कि थोड़े से आपको देखने को मिलते हैं, प्रोज भी बहुत सारे हैं, कॉन्स एक ही दो लगता है मुझे। चलिए भाई, और ये फर्स्ट गियर स्पोर्ट्स मोड भाई, भाई लिटरली आगे से उठने को तैयार हो जाती है भाई। रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो नाम है ना भाई RTR, उसको रिप्रेजेंट करती है ये। और पीछे से ट्रक आ रहा है भाई, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो गाइस नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, तो देखिए नेगेटिव पॉइंट यही लगा मुझे कि इसमें जो है ना एक सर्टेन RPM के बाद, मतलब 5000 RPM के ऊपर जैसे जैसे अगर आप जाने लगते हैं तो एक आपको भाई अच्छा खासा वाइब्रेशन फील होता है, जो राइड क्वालिटी को उन्होंने भाई वो थोड़ा सा एक मैं अच्छा नहीं कहूँगा राइड। तो गाइस जैसा कि मैं कह रहा था, इसका एक नेगेटिव जो है वो वाइब्रेशन है जो एक लौता मुझे लगता है। और स्पेशली बताऊँ तो और अभी तक जो एक कमी और लगी है कि देखिए टॉप वेरिएंट में है कि नहीं, मैं एकदम एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से हो गई, मैं आपके स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा, मैं एकदम करेक्ट कर दूंगा। लेकिन जो देख रहे हैं ये भी डुअल डिस्क वेरिएंट है, ब्लूटूथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी मैं देख पा रहा हूँ कि कोई गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, तो देना चाहिए भाई चाहे कोई सा भी वेरिएंट रहे भाई। मैं डेफिनेटली अपाचे खरीद रहा हूँ तो उसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर देना तो बनता है, फिलहाल इसमें नहीं है, देना चाहिए। और तो ये जो थी एक दो एक कमी लगी मुझे, और दूसरी कोई कमी देखिए मुझे लगती नहीं है, ज़बरदस्ती मैं कोई कमी निकालना नहीं चाहता हूँ, और कोई मैं ज़बरदस्ती का भाई देखिए किसी ब्रांड का प्रमोशन भी नहीं करता हूँ भाई, जो मेरे चैनल पुराने होंगे पता होगा। तो जो नेगेटिव पॉइंट था एक दो मैंने बता दिया, जो सबसे बड़ा नेगेटिव है इसका वही है भाई वाइब्रेशन। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट की, तो पॉजिटिव जो है वो देखिए भाई, हाय 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 भाई मज़ा ही आ जाता है, मतलब एकदम थ्रॉटल खींचिए और बाइक जो है हमेशा भागने को तैयार। तो जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगता है ना भाई इसका इंजन, बस रिफाइनमेंट से लैग करता है, लेकिन अगर पावर की बात की जाए तो जो इसमें इंजन है भाई 159.7 CC का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक
टू वालों का एयर कूल फाइव स्पीड गेयरबॉक्स है, BS6 फेज टू इंजन है जो मैक्स पावर भाई अराउंड 16 PS की जनरेट करता है, 8750 RPM पे एंड 14 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, सिर्फ 137 kg का कवेट के साथ आती है भाई। तो पावर टू वेट रेशियो में जो है आपको ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिलती है आज भी इस सेगमेंट में। अगर आप इसको किसी भी बाइक से कॉम्पीट करिए तो आपको एक बढ़िया ही पावर टू वेट रेशियो देखने को मिलता है। आराम से पल्सर N160 हो चाहे पल्सर 150 आराम से कॉम्पीट कर सकती है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आज भी। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स ज़बरदस्त है। अब मतलब देखा जाए तो जो इसका इनिशियल और मिड रेंज है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। और ये तो रहा भाई एक पॉजिटिव पॉइंट, बात करते हैं दूसरे पॉजिटिव की तरफ। तो अपाचे भाई, अपाचे जब से आ रही है शुरू से इसकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई। इसमें अब तो जाकर सिंगल चैनल ABS काफ़ी टाइम से आने लगा, सिंगल चैनल ABS नहीं भी आती थी तब भी मैंने चलाई है। ABS नहीं भी होता है ना तब भी ऐसा लगता है इसके ब्रेक्स में ABS है भाई, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और इतना ज़्यादा तगड़ा ब्रेक। मैं आपको देखिए दिखाता हूँ ब्रेक टेस्ट करके भी। अभी देखिए मैं सिर्फ रियर ब्रेक्स प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए रियर ब्रेक्स पूरा प्रेस कर दिया और बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, स्किट नहीं की, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। फ्रंट ब्रेक प्रेस करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं भाई, मतलब क्या रिस्पॉन्सिव ब्रेक है भाई, तुरंत रुकता है भाई और सिंगल टैप है, मतलब ऐसा भी नहीं आपको 2 से 3 फिंगर यूज़ करना पड़ेगा एकदम। देखिए ये सिंगल टैप कर रहा हूँ ना तो तब जो है पूरी बाइक कंट्रोल हो जाती है सिंगल टैप में भी, तो ज़बरदस्त भाई। फ्रंट में 270 mm का डिस्क, रियर में 200 या 220 mm का आई थिंक आपको देखने को मिलता है, तो ज़बरदस्त ब्रेकिंग इसमें आपको देखने को मिलती है। कहीं भी कितने भी स्पीड पर रहिए आप जो है कॉन्फिडेंस आपका लूज़ नहीं होगा। अब बात करते हैं गाइस जो तीसरे पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ, वो है इसका मीटर। मीटर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आराम से विजिबल भी है, चाहे कितना भी सनलाइट हो आराम से आप रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी भाई। सिर्फ एक गियर पोजीशन इंडिकेटर छोड़ के RPM रेंज स्पीडोमीटर ओडोमीटर ट्रिप मीटर गियर पोजीशन इंडिकेटर फ्यूल गेज और रियल टाइम माइलेज और टॉप स्पीड रिकॉर्डर जो नाम लीजिए सब इसके मीटर में आपको हाजिर देखने को मिलेगा। तो मीटर बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है। और फिर इसके बात की जाए पॉजिटिव पॉइंट की, वो है भाई इसका राइडिंग पोस्चर काफ़ी बढ़िया, राइडिंग पोस्चर है कम्फर्टेबल, हल्का सा आप आगे की तरफ लीन रहते हैं 2 से 4% के करीब, बाकी जो है फुट पैक्स का पोजीशन हल्का सा पीछे की तरफ, तो एक आपको बढ़िया सा एक स्पोर्टियर पोस्चर भी देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं होगी, आराम से राइड करिए दिन रात कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए ब्रेकर आ रहा, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे साइड पे हैं, आराम से देखिए छोटे मोटे गड्ढों ब्रेकर से आराम से निकल जाती है, कोई आपको ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है भाई, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, 780 mm की सीट हाइट, इतनी ज़्यादा लाइट वेट है, मैं आपको रुक के दिखाता हूँ, मेरी हाइट है जो 7'8" कह रहा हूँ भाई, 5'8" के करीब, और मेरे देखिए अभी मैं थोड़ा सा ढलान पे खड़ा हूँ ना, मतलब थोड़ा सा ऐसे चढ़ान पे, तब भी मेरे दोनों पैर बहुत आराम से ज़मीन पे आ रहे हैं, चाहो तो खड़ा हो सकता है। तो कोई भी शॉर्ट राइडर आराम से इसको चला सकता है, कोई भी बंदा आराम से चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है भाई। 3 राइडिंग मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, रेन अर्बन स्पोर्ट, जो कि प्रॉपर अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। एक सेल्फ में बहुत ही आराम से स्टार्ट भी होती है, और एग्जॉस्ट नोट इसका काफ़ी बेसी है भाई, ऐसा नहीं लगेगा कोई आप आउटडेटेड बाइक चला रहे हैं या एकदम, देखिए सुनिए एकदम स्पोर्टी, एकदम बेसी तगड़ा। सीट्स काफ़ी ज़्यादा आपको वेल कुशन्ड देखने को मिलती हैं, तो ज़्यादा देर तक राइड करिए कोई कहीं भी आपको जो है पेन देखने को नहीं मिलेगा, एकदम कंफर्टेबल राइड कर सकते हैं। माइलेज जो है, माइलेज देखिए कहीं से ख़राब नहीं है, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस देती है ना उस हिसाब से आराम से इसमें आपको 45 के आसपास जो है माइलेज देखने को मिल जाएगा, तो माइलेज भी आपको अच्छा ही है। 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और हाँ ये देखिए एक पॉइंट में आपको, अरे भाई थार रॉक्स, और बढ़िया भाई देख सकते हैं थार रॉक्स देखने को मिल गई आज, और अभी जस्ट लेटेस्ट में लॉन्च ही हुई है बनारस में 2 ही 3 दिन पहले। तो फिलहाल फोकस करते हैं इस वीडियो में, तो जो और पॉजिटिव पॉइंट्स की बात मैं कर रहा था आपको बताऊं, हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, सिटी में आपको मनूवर करना है इस तरह लेन चेंज करना है फटाफट, एकदम आराम से होता है, एकदम सीमलेस,
आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। तो ऑल एंड ऑल ओवरऑल मैं कहूँ सिर्फ वाइब्रेशन पार्ट हटाते हैं तो वो अच्छा चीज़ है। और एक चीज़ आप नेगेटिव में देखिए लेंगे या मैं क्या ही कहूँ इसको, आप मिड में ही रखिए, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, दो चीज़ें हैं। TVS का क्या है ना भाई, अगर आप इसको पल्सर या हीरो से कंपेयर करते हैं, मतलब बजाज या हीरो से, तो वहाँ से जो इसकी सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी सर्विस कॉस्ट। और जो इसके मतलब बेसिकली पार्ट्स होते हैं ना, कोई भी पार्ट्स आप लेने जाइए तो बजाज और हीरो के मुकाबले आपको थोड़े से यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन वहीं पर सब एक और अच्छी बात हो जाती है कि इसका जो आफ्टर मार्केट रीसेल वैल्यू है ना, आप इसको कुछ साल, दो साल, चार साल चला के भी बेचेंगे ना, तब भी काफ़ी अच्छा इसका रीसेल वैल्यू देखने को मिल जाता है कंपेयर टू स्पेशली पल्सर्स जो इसकी डायरेक्ट राइवल है। तो ये अच्छा चीज़ है कि अगर आपको कुछ साल चला के बेचना है तो डेफिनेटली जा सकते हैं इसकी तरफ, आपको एक अच्छा खासा रीसेल वैल्यू मिलेगा जो कि पल्सर में कभी भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है भाई। तो बस जितने पॉजिटिव पॉइंट्स थे सारे मैंने बता दिए। स्टेबिलिटी है, एकदम स्टेबिलिटी का कोई इशू देखने को नहीं मिलता है, तो आराम से आप स्टेबल राइड कर सकते हैं। बस गैस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।